गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं मंजीत पुनिया आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। सुबह के डेली 7 बजे हम लोगों का करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको कवर करते हैं, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, उसका देख लेते एक बार क्या आंसर होगा। उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा मनीष पर्वत, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है माउंट सिंगबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया, सी ऑप्शन। देखिए अभी अभी क्या हुआ था कि 3-4 दिन पहले ही इंडोनेशिया के अंदर सिंगबंग ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ था, यानी कि वो सक्रिय हो गया था। तो काफ़ी कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो हो गया था और वहाँ से काफ़ी लोगों को निकाल लिया गया था। देखिए ज्वालामुखी जो होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इसलिए ज्योग्राफी के अंदर हमारा एक क्वेश्चन इससे काफ़ी बार पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनको तो फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ज्वालामुखी इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए जो ज्वालामुखी होते हैं हम लोगों के वो क्या होते हैं, जब भी हमारा जो अर्थ होती है इस अर्थ के अंदर नीचे हम लोगों का जो है सरफेस के नीचे वो हम लोगों का जो मेटल है वो मोल्टन स्टेट के अंदर रहता है, हम लोगों का जो भी मटेरियल है तो वो द्रव अवस्था के अंदर रहता है। तो जब वो द्रव अवस्था के अंदर जो मटेरियल हम लोगों का होता है, तो जब वो उसका टेम्परेचर हम लोगों की जो सराउंडिंग्स है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है हो जाता है, तो वो क्या करता है कि वो ज़मीन से बाहर निकल करके आ जाता है और प्रेशर के साथ वो काफ़ी दूर तक बिखर जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोल देते हैं। अब ज्वालामुखी जो होते हैं हम लोगों के, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एक ज्वालामुखी की हम लोगों की आपको दिख रही होगी फ़ोटो सामने। इसके अंदर ये जो होता है एसिड वगैरह होती है, हम लोगों की विस्फोट के साथ जो गैसेज वगैरह होती हैं वो बाहर आती हैं। अब जो ये ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब ये फटता है तो दो तरह से इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। एक होता है कि भी जब ये एक्सप्लोजिव, बिल्कुल एक्सप्लोजिव यानी कि बम वगैरह की तरह फटता हम लोगों का, तो क्या होता है कि जब एक्सप्लोजन के साथ ये फटता है एक्टिव होता है तो क्या होता है कि जो हम लोगों की जितने भी गैसेज वगैरह हैं मेटल है और जो हम लोगों का मोल्टन स्टेट के अंदर द्रव अवस्था के अंदर जो मटेरियल होता है वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेंकता है ये, और वो उसकी ऊंचाई डिपेंड करती है ज्वालामुखी की, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। कई बार ये 1000 मीटर तक भी हो सकती है, 2000 मीटर तक भी हो सकती है, 5000 मीटर तक भी चली जाती है, ये डिपेंड करता है। दूसरा जो हम लोगों का ज्वालामुखी होता है वो क्या होता है कि वो जेंटली फ्लो करते हैं, यानी नॉर्मली धीरे धीरे ऊपर आएगा और जो हम लोगों का वो उसका एरिया होता है जो मुंह होता है वेंट होता है उससे बाहर निकल करके तरल की तरह बहने लग जाएगा, इसके अंदर ऊपर की तरफ मटेरियल को नहीं फेंका जाता है। तो ये दो तरह से होता है हम लोगों का। अब वोल्केनोज की बात की जाए तो देखिए मॉडर्न टाइप के ऊपर बात करूँ तो वोल्केनोज को 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग बांटते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और डेड वोल्केनो, जिनको हिंदी में बात करूँ तो हम लोग सक्रिय, निष्क्रिय और मृत ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। देखिए एक्टिव वोल्केनो की बात करूँ तो जो हम लोगों का सक्रिय ज्वालामुखी होता है वो होते हैं जिनके अंदर हम लोगों का रिसेंटली विस्फोट हुआ हो, या फिर विस्फोट जिसके अंदर नॉर्मली हम लोगों के एक टाइम पीरियड के अंदर विस्फोट होते रहते हैं, सक्रिय होते रहते हैं, उन्हें हम लोग एक्टिव ज्वालामुखी बोलते हैं। और जिनके अंदर पहले विस्फोट हुआ हो और अभी कोई संभावना हो लेकिन फ्यूचर के अंदर विस्फोट होने के उसके अंदर चांसेस हो तो हम लोग उनको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, यानी कि जो अभी सक्रिय नहीं है, अभी विस्फोट होने के चांसेस नहीं है लेकिन आगे फ्यूचर में जाकर के हो सकते हैं, उनको हम लोग डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, निष्क्रिय वोल्केनो बोलते हैं। तीसरे जो होते हैं हम लोगों के वो डेड वोल्केनो होते हैं, यानी कि मृत, यानी कि जिनके अंदर आगे फ्यूचर के अंदर कोई भी विस्फोट होने की, एक्टिव होने की उनकी संभावना ना हो, 0 एक्टिव की पॉसिबिलिटी हो, उन्हें हम लोग डेड मृत वोल्केनो बोलते हैं। अब वोल्केनोस के अंदर क्या होता है, देखिए ये जो हम लोगों का जो आपने देखा होगा ये गैस का गुब्बारा सा बन रहा है, बादल सा बन रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हम लोगों का जो
लिक्विड मटेरियल होता है, द्रव अवस्था के अंदर जो हम लोगों का पदार्थ होता है, वो जब हम लोगों का धरती के नीचे होता है, पृथ्वी के अंदर होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। लेकिन जब वो मैग्मा हम लोगों का जब ज्वालामुखी के रास्ते बाहर आ जाता है ज़मीन के ऊपर, तो हम लोग उसी को लावा के नाम से जानते हैं, लावा नाम दिया जाता है उसको। अब बात की जाए कि जो प्रोसेस होता है वोल्केनो के फटने का, ये कैसे होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ पिक्चर के, चलो पिक्चर दिखा देता हूँ, पिक्चर के साथ समझाते हैं आपको। ये देखिए आप सामने फोटो में देख रहे होंगे, ये क्या होता है कि जो ये देखो आपको इंग्लिश में लिख रखा होगा वाइट वाइट एरोज के साथ क्रस्ट, ये क्या होता है, जो हम लोगों का पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट होता है, ये क्या होती है, हम लोगों की प्लेट्स होती हैं, इनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बुक के नाम से जानते हैं। ये प्लेट्स क्या होती हैं, ये प्लेट हम लोगों की धीरे धीरे मूवमेंट करती रहती है पृथ्वी के नीचे। अब जब ये मूवमेंट करती हैं तो आपस में एक दूसरे से जैसे दूर जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा उन प्लेट्स की जगह पर स्पेस, ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस क्रिएट होता रहता है। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए क्या होता है, जो हम लोगों का जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारा ऊपर आता है और उनकी जगह ले लेता है खाली स्थान को भरने के लिए, तो उसको हम लोग वोल्केनोज का रूप ले लेता है वो। अब जो ये हम लोगों की टेक्टोनिक प्लेट्स जब इस सरक करके जो हम लोगों की जगह बनती है, ये मोस्टली हम लोगों का जो प्रोसेस होता है वो हम लोगों का ओशियंस के अंदर होता है, और वहाँ पर जो ज्वालामुखी बनते हैं हम लोग उनको अंडर वाटर वोल्केनोज के नाम से जानते हैं, मोस्टली प्रोसेस ही होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो हम लोगों की ज़मीन के ऊपर ज्वालामुखी होते हैं, देखिए जो हमारे प्लेट्स हैं वो हम लोगों की वहाँ पर भी एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, सरकती रहती है, तो क्या होता है कि जब हम लोगों की प्लेट सरकती हैं तो हम लोगों का वो जो गैप बनता है उसमें से हम लोगों का जो द्रव पदार्थ होता है वो बाहर आता है। बट क्या होता है कि कुछ हम लोगों के काफ़ी टेम्परेचर हॉट हो जाता है, कुछ जगह पर सराउंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो वो क्या होता है कि वो हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है, क्रस्ट होता है, उसको उसके अंदर से स्पेस बना करके वो बाहर की तरफ हम लोगों का आ जाता है। जो कि हम लोगों का बाहर की तरफ आता है तो एक वेंट सा बना लेता है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रेशर कुकर की सीटी सी होती है जैसे आप लोगों की, वो प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो वो एकदम से उसको ऊपर उठा देती है और वहाँ से सारा के सारी हमारी गैस निकल जाती है। ठीक ऐसा ही सिस्टम लोगों का वोल्केनो के अंदर होता है, जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो क्या करता है, क्रस्ट को वो चीरता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है, और जो कि एक वेंट की तरह एक छिद्र जैसा रास्ता होता है हम लोगों का, उसको बनाता हुआ एक वो पूरा का पूरा मैटर बाहर आता है। अब क्योंकि अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो देखिए क्या होता है कि वो एकदम से प्रेशर से चीज़ों को ऊपर की तरफ फेंकता है और हम लोगों का वो आसमान के अंदर चला जाता है एक्सप्लोजन की तरह, तो हम लोगों की जितनी भी गैसेज होती हैं वो हमारी उधर आसमान के अंदर फैल जाती है। अब जो वोल्केनो जब फटता है तो उसके हमारे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जब देखिए वोल्केनो फटता है तो हम लोगों का बहुत सारी जो गैसेज निकलती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन होता हम लोगों का, और CO2 वगैरह जो गैसेज होती हैं निकलती हैं जो कि हम लोगों की ओजोन परत के लिए भी हानिकारक होती हैं, कुछ गैसेज जो निकलती हैं और जो कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देती है। तो बात की जाए तो जो हमारे वोल्केनोज होते हैं वो मोस्टली कहाँ पर, हॉटस्पॉट के ऊपर निकलते हैं, यानी जहाँ पर हम लोगों का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ज़रूरत से, तो उनको हम लोग हॉटस्पॉट वोल्केनोज बोलते हैं, और जो वाटर के अंदर बनते हैं उनको अंडर वाटर वोल्केनोज बोलते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वोल्केनोज हम लोगों के या फिर पृथ्वी के अंदर ही होता हो ये सिस्टम, ये हमारा जो सोलर सिस्टम की बात करूँ तो बाकी जो प्लैनेट्स हम लोग हैं उनके ऊपर भी होता है, जैसे बात करूँ वीनस और मार्स की, जो हम लोगों के शुक्र और मंगल ग्रह हैं उनके ऊपर क्या है, जो हमारे वोल्केनोज वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी कि पहले वोल्केनो हुआ करते थे, पहले इसके लिए थे बट अभी नहीं है, वो डेड की कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। जबकि बात करूँ मैं जुपिटर है जो हम लोगों का बृहस्पति है, सैचुरन है और नेपच्यून है, इनके अंदर जो हम लोगों के वोल्केनोज वाली जो प्रक्रिया हो रही है फटने की, ज्वालामुखी की, वो अभी भी हो रही है हम लोगों की, जो कि हम लोगों के जो बड़े बड़े सैटेलाइट होते हैं उनसे हम लोगों ने पता लगाया और देखे भी गए हैं विस्फोट्स को। अगर बात की जाए तो देखिए जो हम लोगों के पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनोज हैं उनका 75% है ना वो हम लोगों का रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। देखिए ये जो हम लोगों का जो रेड कलर के अंदर जो एरिया दिया गया है,
एटलांटिक ओशन के जो हम लोगों के कॉर्नर से होता हुआ जाता है, जो हम लोगों का इधर कनाडा अमेरिका से होता हुआ नीचे ब्राज़ील की साइड नॉर्थ और साउथ अमेरिका से की तरफ आता है, और ये हमारा इधर देख सकते हैं आप चाइना, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये हम लोगों का सारा रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। पूरी दुनिया के जितने भी एक्टिव वोल्केनोज हैं उनमें से दुनिया के टोटल में से 75% एक्टिव वोल्केनो यहाँ पर पाए जाते हैं, आपका जो है रेड एरिया दिया गया है इसके अंदर पाए जाते हैं। और बात करूँ तो मैं जो हम लोगों के अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर टोटल जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उसका 90% जो अर्थक्वेक होते हैं वो भी हमारा इसी के अंदर आते हैं। तो ये हमारा अर्थक्वेक प्रोन जोन बोलते हैं इसको, काफ़ी एक्टिव एरिया होता है जहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, हमारे बहुत बार आते हैं ईयर के अंदर। इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, याद रखिएगा। जो आपके मोस्टली जो फेमस जितने भी वोल्केनोज एक्टिव वोल्केनोज वो सारे के सारे यही मिलते हैं, देख जितने भी होंगे वो इन्हीं कंट्रीज के अंदर मिलेंगे, जैसे आपको इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया आपका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया आपका नीचे ऊपर की साइड, अमेरिका की साइड कनाडा हो गया, यूएसए के अंदर हो गया, ये कंट्रीज के अंदर आपको मिलेंगे देखने को। अगर बात करूँ इंडिया की तो देखिए हमारे कंट्रीज़ के अंदर वोल्केनोज बहुत ही कम है, एक्टिव वोल्केनोज तो ना के बराबर ही है। अगर एकमात्र कहूँ मैं थोड़ा बहुत जो हम लोगों का एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि एक्टिव भी नहीं है फिलहाल प्रेजेंटली कह सकते हैं जिसको हम लोग उसको, बट इसके अंदर क्या है कि हमारे फ्यूचर के अंदर एक्टिव होने के चांसेज है, जो हमारा बैरन आइलैंड है, देखिए ये हमारा अंडमान आइलैंड के अंदर है और इसको इंडिया का इकलौता है जो एक्टिव वोल्केनो माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है हम लोगों का वो है नारकोंडम माइल वोल्केनो, नारकोंडम वोल्केनो भी आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर ही आता है, बाकी आपके इतने नहीं पूछे जाते हैं, बस सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे ये दो ही हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है खुदीराम बोस को किस तिथि को फांसी दी गई थी। तो देखिए जो खुदीराम बोस थे हमारे बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे, उनको अगर मैं बात करूँ तो जो फांसी दी गई थी वो 11 अगस्त को दी गई थी। अब खुदीराम बोस की बात की जाए तो देखिए जो खुदीराम बोस जी थे इनको जो मुजफ्फरनगर कॉन्स्पायरी केस था उसके अंदर इनको फांसी दी गई थी। अब केस क्या था इसके अंदर, देखिए खुदीराम बोस और इनके साथ एक प्रफुल्ल चक्की थे हमारे फ्रीडम फाइटर, इन दोनों ने क्या हुआ था, एक हम लोगों के ब्रिटिश जज थे, हम लोगों के मजिस्ट्रेट थे डगलस करके कुछ ऐसे ही नाम था उनका, तो उनको मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था। तो जब वो एक रास्ते से जा रहे थे कॉन्वॉय से, तो काफ़ी गाड़ियां जा रही, तो इन्होंने क्या किया था, बम फेंका उन गाड़ियों के ऊपर, एक गाड़ी को इन्होंने टारगेट करके कि भी इसमें इसके अंदर वो बैठा है। अब बाई चांस हुआ क्या कि वो बैठे थे किसी और गाड़ी के अंदर, ठीक है, और उस गाड़ी के अंदर जो उसके ऊपर गाड़ी के अंदर बम फेंका था इन्होंने, उसके अंदर क्या था कि दो ब्रिटिश वुमेन बैठी थी, तो उस बम की वजह से उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो जो हमारे प्रफुल्ल चक्की थे उन्होंने क्या किया था कि इस इंसिडेंट से दुखी होकर के उन्होंने तो आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। और जबकि खुदीराम बोस को क्या हुआ था कि इनको पकड़ करके इन पर मुकदमा चलाया गया था और फिर इनको 11 अगस्त को फांसी दे दी गई थी। ये देखिए देख सकते हैं डगलस किंग्सफोर्ड नाम था उनका, जज थे जो हमारे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है। जो हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन है उसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो है हमारे सेबेस्टियन को, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स जो हमारी फेडरेशन उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए जो वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन हमारी उसकी फॉर्मेशन 17 जुलाई 1912 को हुई थी, और जो ये हमारी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर इसकी फाउंडेशन की गई थी। स्पोर्ट्स फेडरेशन ये हमारी है, किसका हेडक्वार्टर की बात करूँ जो हमारे वो हैं क्वाई एंटोइन के अंदर, मोनाको के अंदर 214 मेंबर्स हैं जो इस फेडरेशन के मेंबर्स हैं, 214 कंट्रीज हैं जो हम लोगों के, प्रेसिडेंट वो इसके सेबेस्टियन कोए हैं, फॉर्मरली कॉल्ड इसको IAAF इसके नाम से इसको जाना जाता था अक्टूबर 2019 तक, और अक्टूबर 2019 के अंदर इसका नाम बदल करके वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया था।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत में कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय खोलने का निर्णय लिया है? तो देखिए, जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने अभी जो हम लोगों के ट्राइबल जनजाति थी, जो हम लोगों के ट्राइबल से जुड़े हुए जितने भी हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारी देश को आज़ाद करवाने में बहुत योगदान दिया था, उनको लेकर के हम लोगों के म्यूजियम्स को खोलने की बात कही है। तो गवर्नमेंट ने जो म्यूजियम खोलने की बात कही, वो हमारे टोटल हैं 9 म्यूजियम हैं। अब इन 9 म्यूजियम्स के अंदर क्या है कि 2 म्यूजियम्स का काम तो हम लोगों का फाइनल स्टेज के अंदर चल रहा है, जिनको जल्दी खोल दिया जाएगा, और 7 म्यूजियम और है जिनके ऊपर काम चल रहा है। तो टोटल 9 म्यूजियम हैं जो कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के, जो हम लोगों की उनकी यादों के ऊपर बनाए गए हैं। अब इसके अंदर क्या, ये मॉडर्न थीम के ऊपर बनाए गए, जैसे 3D होलोग्राम वगैरह हो गए, वो भी दिखाए जाएंगे इनको लेकर के, और काफ़ी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉडर्न बेसिस के ऊपर इनको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई कि भी 2022 तक जितने भी हमारे टोटल हैं, उन सभी के सभी संग्रहालय को 2022 तक तैयार करके शुरू कर दिया जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, कृषि में एक प्लेटफॉर्म है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो कृषि में एक प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो ये हमारा लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थोड़ा जान लेते एक बार, ये जो हमारा कृषि मेघ है, देखिए कृषि में एक प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने कल ही लॉन्च किया था। अब इसके अंदर क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, देखिए कुछ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे जितने भी एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड जो हम लोगों की इम्प्रूवमेंट्स को लेकर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने को लेकर, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी देने के लिए, या फिर उनके अंदर नई टेक्नोलॉजीज़ को इवेल्युएशन करने के लिए, और जो हम लोगों की एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करने को लेकर के भी जितनी भी रिसर्च वगैरह वर्क है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और जिससे हम लोग स्किल्स को भी अपने इम्प्रूव कर सकेंगे, और जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी ये हमारा काम करेगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत किस देश के साथ अडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है? तो देखिए अभी क्या हुआ कि इंडिया ने जिस कंट्री के साथ में एक जगह है अडू एटोल, वहाँ पर 5 टूरिज्म जोन बनाने को लेकर के एग्रीमेंट किया, तो वो कंट्री कौन सा है? वो हमारा कंट्री हो जाएगा मालदीव, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कल क्या हुआ, इंडिया ने मालदीव के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भी मालदीव के वहाँ पर, मालदीव में हम लोग 5 उनके जो टूरिज्म जोन है, इको जोन है, उनको हम लोग डेवलप करने में हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ पर हम लोगों का जो है मालदीव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा, टूरिस्ट भी बढ़ेगा वहाँ पर, और इनकम भी वहाँ की बढ़ जाएगी। अब मालदीव क्या हम लोगों के लिए स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम आपको मालदीव की बात करी जाए तो दिखा देते हैं एक बार। देखिए ये जो हमारा मैप दिया हुआ है, इसके अंदर जो एक ग्रीन कलर के अंदर जो हम लोगों का सर्कल दिया हुआ है, ये हमारा मालदीव आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो मालदीव से ही होकर के हम लोग जितना भी हम लोगों का जो अफ्रीकन है, हम लोगों का अफ्रीकन जितना भी हम लोगों का जो यहाँ पर जाता है, वो हम लोगों का रास्ता जो भी जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, वो हमारा मालदीव से होकर ही जाता है। तो हम लोगों के लिए स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मालदीव की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कैपिटल है जो वो मालदीव की, माले है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो धीवे ही है, रिकॉग्नाइज्ड के अंदर इंग्लिश भी आती है हम लोगों की जो आती है इसके अंदर, मालदीव के अंदर। रिलीजन की बात की जाए तो हमारा यहाँ का मेन रिलीजन इस्लाम है। इसके अंदर गवर्नमेंट है जो हम लोगों की यूनिटरी, और प्रेजिडेंटियल रिपब्लिक है। इसके अंदर प्रेजिडेंट है जो हमारे यहाँ के, वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, यहाँ के प्रेजिडेंट हम लोगों के। लेजिस्लेटर की बात की जाए तो पीपल मजलिस के नाम से इसकी लेजिस्लेशन है। अब इसके बात की जाए तो जो हमारा मालदीव था, ये हमारा 26 जुलाई 1965 को जो ब्रिटेन है,
इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था इसको। और जो हम लोगों का इसका कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो 7 अगस्त 2008 को मालदीव का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बन करके तैयार हुआ था और लागू हो गया था। चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ डे की बात कर ले, तो क्वेश्चन ऑफ डे जो आज का वो है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि जो हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने कल ही 8,722 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट किया है डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के। तो वो आपको बताना है कि किस कंपनी के साथ किया है। आपके ऑप्शन है DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, HAL या फिर इसरो के लिए। तो आप जो भी आपका सही जवाब हो कमेंट के अंदर आप हमें लोगों को दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।